वेलकम टू E18 तेलंगाना न्यूज़। लामपली कंटेस्टेड एमएलए फेरोज खान एंड एक्स एमपी अंजनी कुमार यादव डिस्ट्रीब्यूटेड राशन किट्स एंड पर्सनली स्प्रेज डिस इन्फेक्टेंट्स नियर लाल बहादुर कॉलेज एट नंदीपट्टनम अंडर लामपली कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिपोर्टेड बाय मोहम्मद अहमद एंड इमरान खान। E18 तेलंगाना न्यूज़ ब्यूरो। लेकिन आप एक ऐसे लीडर की तरह उभर के आए हैं जो कोरोना वायरस के वबा के फैलने के बावजूद भी जो है पब्लिक के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, क्या आपको आपकी जान का डर नहीं? आप एक बेहतरीन बात बोले, सिर्फ एक फिकर मेरी नामपल्ली की, क्योंकि नामपल्ली फिरोज खान की जान है और अगर से जान बचाते बचाते मेरी जान चली जाएंगे तो उससे नसीब वाली मौत मेरे को नहीं आने वाली है मेरे भाई। ते जीतने के लिए मैं आया इतिहास लिखने के लिए। तो आज कोरोना वायरस अगर से किसके भी घर में आता तो मेरे को ऐसा दिखता कि ये मेरे घर में आया। पहले से मेरी आवाम परेशान है, मेरी आवाम बेबस है, मेरी आवाम भूखी है, उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, 250 नौकरियां चले गए। उसके बाद में ये बीमारी का बोझ वो नहीं उठा सकती, तो उसके लिए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि इसमें हमारी जान भी जाएंगी, कोई बात नहीं, पैदा हो सो दिन मौत मुकर्रर हो जाती, अगर से इस तरह से पब्लिक के सर्विस में मेरी जान जाती तो मैं अपने आप को नसीब वाला मानूंगा। शुक्रिया। आज जो हाल महाराष्ट्र का है और दिल्ली का है, अल्लाह ना करे हैदराबाद का हो, तो मैं सीएम साहब से के टी रामाराव से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग बाता बड़े बड़े करते मगर आप लोग काम नहीं। आप लोग मोहल्ला दवाखाना खोल रहे बोल के प्रचार कर रहे, माशाल्लाह वेरी गुड, मगर आप कचरा साफ नहीं कर रहे, आप बस्तियों को साफ नहीं रख रहे, चलिए आप लोगों को खाना तो नहीं खिला रहे, आप छत नहीं दे रहे, कम से कम आप बीमारियों से बचाइए उनको। जय हिंद। शुक्रिया फिरोज भाई। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें तो दिल के पास निकलते हैं। राइट, आज हम हिल कॉलोनी पे है, मेहदीपट्टनम डिवीजन। 20 दिन से हम सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक गली हर एक बस्ती, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर, वक्त का तकाजा है। आज कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा एक्टिव हैदराबाद में है और हमारे नामपल्ली में 96-97 प्लस पेशेंट्स है, तो हम हमारी जिम्मेदारी समझे, जो काम गवर्नमेंट करना, जो काम यहाँ के हायत करना, वो काम हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हैदराबाद और नामपल्ली की हिफाजत करना हमारी आवाम की फिक्र है, हमारे को हमारे बुजुर्गों की फिक्र है, हमारे मासूम बच्चों की फिक्र है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं आगाह करता हूं कि आने वाला महीना जून ये बीमारियों का महीना बोलते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वायरल फीवर। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, अब ये बीमारी का महीना आ रहा, आप फॉग मशीन्स यूज करिए, आप एंटी मस्किटो स्प्रेज यूज करिए, डिस इन्फेक्टर्स यूज करिए, अगर से आप ये बीमारियों को नहीं रोकेंगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह स्टेटमेंट है कि आने वाले महीने के बाद कोरोना वायरस के केसा डबल हो जाएंगे। और तेलंगाना की हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप टेस्ट करिए, आप जो भी कंटेंट पे टोकन वाले आओ, टोकन।